एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना वार्डरोब टूर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट वे टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। तो काफी सारा आपको आइडियाज भी मिलेगा, साथ ही साथ मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स। डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ बिकॉज आई नो कि बहुत सारी जजमेंटल दीदियां जो है वो बैठे होंगे हमको जज करने के लिए और उटपटांग कॉमेंट्स करके जाएंगी। तो इससे पहले कि वो उटपटांग कॉमेंट्स करके जाए, मैं आप लोगों को कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। इन जनरल भी मैं देना चाहती हूँ कुछ डिस्क्लेमर। सो जो पूरा वार्डरोब है, दिस इज टेकन बाय मी, इसमें सारे मेरे ही कपड़े हैं। इसी तरह का हमारे पास एक और रूम है जिसमें ऑलमोस्ट इससे थोड़ी सी छोटी, इतनी बड़ी डबल साइडेड डोर वाली स्लाइडिंग वाली वार्डरोब हमको दूसरे रूम में भी है हमारी। तो उस वार्डरोब को विक्की ने ले रखा है एंड इसको पूरे को मैंने ले रखा है। यहाँ पर सारे मेरे ही कपड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। कमेंट इस तरह के भद्दे कमेंट मत करिएगा कि अपने पति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। दूसरा डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि आई एम इन टू द प्रोफेशन जहां पर मेरे पास कपड़े बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। इट डजेंट मीन कि मैं बहुत पैसे वेस्ट करती हूँ या मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, नहीं। मोस्ट ऑफ माई जो क्लोथ्स हैं, अभी सब जो वार्डरोब में भी देखेंगे ना, इसमें से काफी सारे ऐसे कपड़े होंगे जो मुझे स्पॉन्सर्ड हैं फ्रॉम ब्रांड। तो इस वजह से भी मेरे पास काफी कपड़े हैं और हो सकता है ये बहुत लोगों को बहुत कम कपड़े लगेंगे और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कपड़े लगेंगे। सो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने वार्डरोब की डी क्लटरिंग करती हूँ, मैं बहुत कपड़े डोनेट भी करती हूँ एंड साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। डोनेट मतलब जिनको जरूरत है उनको कपड़े देती हूँ एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस मीन्स बहुत सारे मेरे आसपास जो लोग हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेने से, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, लाइक माय फ्रेंड्स, फैमिली में कोई है तो ऐसे करके। बिना ज्यादा चटरपटर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के दो हैंडल्स हैं, एक है रुचि स्टाइल कॉर्नर जिसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपडेट करती हूँ, एक है स्टाइल योर स्पेस जिसमें मैं सारा डेकोर से रिलेटेड चीजें अपडेट करती हूँ। तो आप उन दोनों को फॉलो कर सकते हैं एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस इज द दिस इज माई वार्डरोब। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर के कलर में है एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, मतलब राइट हैंड साइड के। तो ये है वन साइड ऑफ द कॉर्नर। सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर सब कुछ हैंगर्स में ही डाल करके रखा था, इस तरह से जो वर्टिकल स्पेस है वो नहीं यूज किया था एंड जिसकी वजह से मेरे कपड़े अच्छे से आ नहीं रहे थे इसके अंदर। फिर आई थॉट कि नहीं, हम सारे हैंगर्स को नहीं, यहाँ पर हम वर्टिकल स्पेस यूज करते हैं। आई थिंक अभी तक तो आपको मेरे इतने सारे मेकओवर्स देख के पता चल ही गया होगा दैट आई एम अ फैन ऑफ वर्टिकल स्पेस, क्योंकि वर्टिकल स्पेस है ना, आप एक तो बहुत स्पेस बचा लेते हो, बहुत सारी स्पेस क्रिएट कर लेते हो जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी रहती है एंड प्रैक्टिकली स्टोरेज के लिए बहुत सही रहती है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ हैंगर्स की तरफ आते हैं। सो डू नॉट जज मी कि अरे मैं कैसे चीप से हैंगर्स यूज कर रही हूँ। मैं चाहती तो बहुत आराम से एक वुडन हैंगर्स का बंडल खरीदती हूँ और मेरा यहाँ पे काम हो जाता है एंड इट विल लुक एस्थेटिक एज वेल, बट डज इट मेक एनी सेंस कि आपके पास जो प्रेजेंट चीज़ है आप उसको फेक करके एक वेस्ट क्रिएट करो और नई चीज़ लेकर के और पैसे वेस्ट करो। सो यहाँ पर मैंने पुराने हैंगर्स ही यूज़ करे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यार, तो फिर फालतू में क्यों फेंकना है। तो इस तरफ मैंने अपनी सारी जीन्सेस स्टोर करके रखी हुई हैं। पहले मैं अपने जीन्स स्टैक करके रखती थी एंड ट्रस्ट मी, जो ऊपर के दो जीन्स होते थे ना, मैं सिर्फ वही यूज़ करती थी और सारे जीन्सेस यूज़ भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने क्या करके रखा है, इस तरह से दो दो का पेयर बना के रखा है। लाइक मैं ये हैंगर निकालती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत इजी होता है जीन्स को सिलेक्ट करने का और इससे मैं काफ़ी सारी जो जीन्सेस हैं वो कैरी भी कर पाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे जो ट्राउज़र्स हैं, जैसे सिर्फ दो ही ट्राउज़र्स हैं मेरे पास, ज़्यादा ट्राउज़र पैंट नहीं है, तो वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर डेनिम की जो शर्ट्स हैं सिर्फ वो दोनों और हैंग करके रखी हैं, दैट्स इट। इधर पर इतनी ही चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पर ये विंटर जैकेट है, देन यहाँ पर ये कुछ फैंसी से ऐसे ब्लेजर्स हैं, मैंने वो यहाँ पर हैंग करके रखे हैं। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन वर्टिकल वाले में, तो ये सब वूलन जो विंटर वेयर है, ज़्यादा तो है नहीं, तो चार यहाँ पर मैंने पुलओवर्स रख के रखे हुए हैं ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी 8-10 जितनी भी शर्ट्स हैं वो मैंने इधर पर रख दिया है। सो बेसिकली दीज आर द शर्ट ऑर्गेनाइजर्स, फोल्डिंग शर्ट ऑर्गेनाइजर्स है ये एंड बहुत ही ज़्यादा सही है। पहले मैं इस तरह के स्टोरेज
कंटेनर्स है वो यूज़ करती थी फोल्ड कर करके, बट उससे ज़्यादा बेटर अच्छा तरीका मुझे ये लगा है। फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि इससे ना आप सारे कपड़े देख पाते हो, स्टैकेबल रहता है, इनमें क्रीजेज नहीं होते, मतलब अगर मैं आयन करके यहाँ पर रख देती हूँ तो लिटरली उनमें क्रीज नहीं होता है। एंड दूसरी चीज़, मैं सपोज़ यहाँ पर मुझे ये वाला कपड़ा पहनना है, ये वाला टॉप मुझे पहनना है, तो मैं इसको निकालती हूँ एंड ऊपर रख देती हूँ वॉश होने के बाद, तो आराम से वो जो लेयर है वो कंटिन्यू उसी पैटर्न में चलती है। तो यहाँ सारे ब्लैक्स एंड वाइट्स हैं, आप देख ही सकते हैं, वाइट्स में बस ज़्यादा है नहीं, बट ब्लैक, यहाँ पर सारे ब्लैक्स एंड कॉम्बिनेशन वाले सारे टॉप्स मेरे पास यहाँ पर रखे हैं, तो आप समझ सकते हो कि सारे कलर्स में मेरे पास सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े डार्कर शेड ऑफ टॉप्स मैंने रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर थोड़े जो लाइटर शेड्स होते हैं वो हैं पेस्टल शेड्स जो होते हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे रखे हैं, समर क्लोथिंग्स हैं इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो वो है वाइट्स हैं और इस तरह के टॉप्स हैं यहाँ पर। नाउ इसके साइड में हम लोगों का एक वॉशिंग जो मैश है वो है, वॉशिंग मैश है, उसके बाद ये आईपैड और आईफोन के कवर्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पर मेरे सारे वो ब्राज हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रेगुलर वाले जो होते हैं विदाउट वायर वाले, वो वाले ब्राज यहाँ पर मैंने रख के रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही रैंडम चीजें हैं। सो नाउ कमिंग टू यहाँ नीचे वाले सेक्शन में, तो मैं आपको बताती हूँ इस तरह से ये बास्केट्स हैं जो मैंने पुराने वाले टूर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया था। तो यहाँ पर बहुत ही रैंडम स्टफ है, जैसे कि मेरे हॉट पैंट्स हैं, स्कर्ट्स हैं जिनको मैं लिटरली बहुत कम पहनती हूँ, मैं स्कर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पहनती हूँ, मैं सबसे ज्यादा जीन्स पहनती हूँ और सिंपल जो कैजुअल टॉप्स होते हैं मुझे वो ही पहनने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर स्कर्ट्स वाली सारी चीजें हैं, हॉट पैंट्स एंड स्कर्ट्स हैं, तो ये मैंने इसमें रख के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे सारे सूट्स हैं जो भी पहनने वाले सूट है, मैं भोपाल से ज्यादा सूट्स लेके नहीं आई, मैंने सिर्फ 3 सूट लेकर के आई हूँ कॉटन के, वो भी प्योर कॉटन के, दैट्स इट, उससे ज्यादा क्योंकि यहाँ इतना पहनने का मौका ही नहीं मिलता है सूट्स का, तो उससे बीच में तो हम भोपाल एक बार चक्कर लगा ही देंगे, अगर मुझे लगेगा तो मैं लेके आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे सूट्स रख के रखे हैं। यहाँ पर मैंने सारे जीन्स पे पहनने वाले जो कुर्ते होते हैं वो मैंने रख रखे हैं। अब बारी आती है नीचे वाले सेक्शन की, तो जितना भी रैंडम स्टफ होता है, जैसे कुछ सूट के कुछ कुर्ते हैं जो सूट है जो मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद अगेन जो कुछ पुराने मेरे पास कुर्तेज हैं वो मैंने सारे इसमें रख रखे हैं, और एक आध साड़ी यहाँ पर रखी हुई है, इंडियन वेयर यहाँ पे रखा हुआ है। कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पर हम लोगों ने 4 लेयर का वर्टिकल जो स्पेस क्रिएट करते हैं फोल्डिंग वाला स्टोरेज, वो यहाँ पे लगा करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब हाईली रिकमेंडेड, इनके मैं लिंक्स डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने जो भी स्पोर्ट्स एंड रनिंग, और रनिंग तो मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, डांस वगैरह करना है या स्पोर्ट्स वेयर इन शॉर्ट आप बोल दीजिए, वो मैंने सब यहाँ पर रखे हुए हैं। कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पर मेरे सारे क्रॉप टॉप्स रखे हुए हैं एंड बाहर पहनने के ही सारे क्रॉप टॉप्स हैं। उसके बाद यहाँ थर्ड पे मैंने ये 3 बैग्स रख के रखे हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा कैजुअली यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने जो रेगुलर वेयर के टी शर्ट्स होते हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा पहनती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो ये मैंने वो सब रख के रखे हैं जिनको बिना कुछ सेकेंड थाट दिए आप निकाल के पहन सकते हो, ये वैसे टॉप्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस वाले साइड में, इस वाले साइड में तो यहाँ पर भी मेरे सारे क्रॉप टॉप्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये मेरी ड्रेसेज हैं, कैजुअल ड्रेसेज जो होती है वो हैं, और यहाँ पर ये 4 मेरे टॉप्स हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े पार्टी वेयर टॉप्स का कलेक्शन मैंने रख के रखा हुआ है जिनको मुझे पहनना है जल्दी ही, वो मैंने यहाँ रख दिया है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, तो ये मेरा स्टोल है, जस्ट रैंडम यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह हैं, ये जितनी भी दिख रही हैं सब मेरी नाइटीज हैं। यहाँ नीचे आते हैं तो इधर पर मैंने एक ये फोल्डिंग वाला स्टोरेज लगा के रखा हुआ है, सो दिस इज माय माइक्रोफाइबर टाल है जिससे आप बालों को बहुत फटाक से बाल ड्राई हो जाते हैं, एंड ये सब मेरी जो इनर्स नहीं होते हैं, ट्यूब टॉप होता है, स्पेगडीज होती हैं अलग अलग कलर्स में, वो सब स्पेगडीज मैंने यहाँ पर रख रखी हुई हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट भी हो गया है। ये मेरे घर में पहनने के सारे बॉटम्स हैं, मतलब लोअर्स हैं, केपरीज हैं, जमाइकाज हैं जो मैं घर में पहनती हूँ। उसके बाद ये सारे मेरे घर में पहनने के टॉप्स हैं जो मैं घर में रेगुलर वेयर में पहनती हूँ, तो ये मैंने अलग रख के रखे हैं, तो ये पूरा घर वाला सेक्शन है। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ पर मेरे घर में पहनने वाले अंडर गार्मेंट्स हैं दोनों में ही, एक में ऑब्वियसली ब्राज हैं, एक में सब अंडीज हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मेरे सारे नाइट सूट्स हैं जिनको मैं पहनती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे नाइट सूट्स आते भी हैं बट मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत कर देती हूँ, इवन नए के नए नाइट सूट्स भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो ये सारे मेरे नाइट सूट्स हैं जिनको मैं पहनती हूँ। यहाँ पर मेरे सारे शॉर्ट्स हैं क्योंकि अब समर आने वाली है, तो मुझे शॉर्ट्स का कलेक्शन भी एक अच्छा खासा रखना पड़ता है क्योंकि तब फिर मैं ये फुल वाले बॉटम्स नहीं पहनूंगी, ये मैं शॉर्ट्स ज़्यादा कैरी करूंगी, तो यहाँ पर मैंने सारे शॉर्ट्स रख के रखे हैं। देन दीज आर द टॉप्स जो कि गोवा वाले टॉप्स नहीं होते हैं, गोवा वाले टॉप्स, गोवा वाली ड्रेसेस, वैसे टाइप के फंकी और पर उस तरीके के मैंने टॉप्स रख के रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे कुछ यू नो टाल्स हैं, फेस टाल्स हैं।
नाउ कमिंग टू नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर मेरी सारी ड्रेसेस हैं, कैजुअल ड्रेसेस हैं, एंड यहाँ पर मेरे सारे पार्टी वेयर लॉन्ग ड्रेसेस हैं, वन पीस हैं दोनों में ही. तो दिस साइड यहाँ पर भी मेरे जो ड्रेसेस हैं जिनको मैं पहनती हूँ फ्रीक्वेंटली, वो सब मैंने यहाँ पर रख के रखा हुआ है इस वाले सेक्शन में. एंड यहाँ पर ये मेरे बाथरोब्स हैं, ये दोनों मेरे बाथरोब्स हैं, पीछे जो रखा है वो भी मेरा बाथरोब है. तो यहाँ पर मैंने बाथरोब्स रख के रखे हुए हैं. ये वाला जो सेक्शन है ये ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई होप आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल गया होगा इससे ये बहुत ऑर्गेनाइज लगता है. इनफैक्ट मैं आपको 10 दिन बाद भी किसी व्लॉग में ये बताऊंगी ना, तो ये ऐसे ही ऑर्गेनाइज दिखेगा. थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट ये ऑर्गेनाइज ऐसे ही दिखेगा. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वार्डरोब टूर है ये पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.